इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाजरीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ की खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं कि क्यों मुसलमानों के साथ डबल स्टैंडर्ड, यानी दोहरा रवैया, जो एक कड़वा सच है। एक दौर था जब नेता और लीडर सिर्फ किरदार देखकर चुने जाते थे। अगर कोई लीडर ऊंचे किरदार वाला होता, न तो जात देखा जाता न धर्म, बल्कि अखलाक और किरदार अव्वलीन तरजीह होती, जिसकी वजह से उस वक्त ना तो कोई स्कैंडल होते ना कोई रिश्वतखोरी आम थी। उस वक्त के लीडर अवाम के भलाई के कामों में हमेशा कोशा रहते। लेकिन अफसोस, आजकल लीडर चुनने का पैमाना ही बदल गया है। आजकल तो लीडर जात, धर्म और दौलत देखकर चुने जाते हैं। अगर कोई शख्स कितना ही अखलाक और किरदार वाला क्यों ना हो, अगर जात और धर्म कोई और हो तो वोट नहीं दिया जाता। इसी के बरखिलाफ कोई शख्स कितना ही बद किरदार और बद अखलाक क्यों ना हो, अगर उसके धर्म और जात का हो तो वो वोट उसे ही दिया जाएगा। और तो और, हालात इस तरह बिगड़ गए हैं, और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सियासत में मुसलमानों को हाशिए पर रखने की पूरी और भरपूर कोशिश की जा रही है। हर किसी को मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत है, पर मुसलमानों को वोट देने पर परहेज किया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि जहां कहीं उम्मीदवार के चुनाव के लिए किसी सियासी पार्टी की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में एक समाज का शख्स अपनी राय देता है और कहता है कि हमारे समाज के इतने वोट हैं और मुस्लिम समाज के वोट मिलाकर हम जीत जाएंगे। इसी तरह से दूसरे समाज वाला कहता है कि हमारे इतने वोट हैं और मुस्लिम वोट मिलाकर हम जीत जाएंगे। इसी तरह और दूसरे तीसरे समाज वाले भी यही गणित पेश करते हैं, पर अफसोस, सद अफसोस, कोई ये नहीं कहता कि मुस्लिम समाज के इतने वोट हैं और हमारे समाज के वोट मिलाकर एक मुस्लिम प्रत्याशी को जिताया जा सकता है। आजकल तो मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई पार्टी एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे भी देती है तो पार्टी वर्कर्स ही मुस्लिम प्रत्याशी को वोट देने से परहेज करते हैं, या पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि इस प्रत्याशी को वोट ना दिया जाए और ये प्रत्याशी जीत ना पाए। क्यों इतनी नफरत, क्यों इतना दोहरा रवैया? आपको वोट तो मुसलमानों के चाहिए, पर मुसलमान प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। बाज लीडर्स को जीतने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट डलवाएंगे नहीं। ताज्जुब की बात है कि इन लीडरों का जमीर कैसे गवारा करता है जो इस तरह का दोहरा रवैया इख्तियार करते हैं। बड़ा अफसोस होता है आज के बिगड़ते हालात देखकर। कहां गई वो गंगा जमनी तहजीब, कहां गया वो देशवासियों के बीच का उल्फत व प्यार, जो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह का दोहरा रवैया ना तो देश के मुस्तकबिल के लिए सही है, ना तो कोई धर्म और समाज इसकी इजाजत देता है। पता नहीं ये कड़वा सच देश को और खुसूसन मुसलमानों को कब तलक झेलना पड़ेगा। वैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो धर्म को न देखकर अच्छे प्रत्याशियों को वोट देते हैं, लेकिन इनकी तादाद कम होती जा रही है, जो देश की सियासत और देश की तरक्की के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये रवैया तो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां और उनके नेताओं का है। कम्युनल पार्टियां तो मुसलमान को टिकट देने से भी परहेज करती हैं। मैं देश की अवाम को जमीर झुंझोड़ कर पूछना चाहता हूं कि इस तरह का मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्या ठीक है? क्या ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं है? अगर मुसलमानों के साथ ये गलत हो रहा है तो मैं उन बाज़मीर लोगों को झुंझोड़ कर आवाज़ देता हूँ कि वो आएं
और इस जानी पहल करें और इस नाइंसाफी को रोकें जो आजकल बड़े पैमाने पर की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि ये बातों को पॉजिटिव अंदाज में लेकर कुछ पॉजिटिव कदम लिया जाएगा, जिसके जरिए हम साफ सुथरी और देश के लिए बेहतर सियासत को देख सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।